यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक जैसे और बहुत सारे साइट्स हैं जिस पर शॉर्ट वीडियोस आती हैं, और ये शॉर्ट वीडियोस हमें मिसलीड करती है। इसी बात को अच्छी तरह से समझाने के लिए मैंने यूट्यूब से 3 ऐसे शॉर्ट्स उठाए हैं जिसपे लाखों लाखों लाइक्स हैं और करोड़ों व्यूज़ हैं, और मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि उन वीडियो को आपने देखा होगा। शॉर्ट्स मतलब क्या? आपने जितनी सेकंड की वीडियो देखी आपने उतने पर विश्वास कर लिया। उस वीडियो के आगे क्या है, उस वीडियो से पहले क्या था, कुछ नहीं मालूम आपको, आपने जितनी सेकंड की देखी उस पर विश्वास कर ली। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। डालो उस साइड से सोना निकालो। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप शॉर्ट वीडियो को बिल्कुल अवॉइड कर दो, ना ही ऐसा कह रहा हूँ कि शॉर्ट वीडियो पर विश्वास कर लो। शॉर्ट्स देखना है तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखो, क्योंकि अगर तुम शॉर्ट्स को सीरियस लेने लगोगे तो फिर तुम्हारी नैया डूब जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे वीडियो नंबर 1 की। वीडियो नंबर 1 पे है राहुल गांधी का एक डायलॉग जिसको आपने ज़रूर सुना होगा, इस साइड से आलू डालो उस साइड से सोना निकालो। असल में यहाँ पर राहुल गांधी बात कर रहे हैं मोदी जी की, कि मोदी जी ने अपने जो आलू बेचने वाले किसान हैं उनको बोला है कि मैं ऐसा डेवलपमेंट कर दूंगा कि एक तरफ से तुम आलू डालोगे और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा इस साइड से आलू घुसेगा उस साइड से सोना। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द है। मैं यहाँ राहुल गांधी को डिफेंड करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं वो आपको मिसलीड करती है। सच्चाई कुछ होती है और आपको दिखाया कुछ और जाता है। नहीं समझ पा रहे हो तो जो अब वीडियो आने वाली उससे बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे तो एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। शॉर्ट्स बनाने वालों ने लगाया अपना दिमाग और उस वीडियो को कुछ ऐसा एडिट करके दिखाया कि मोदी जी ने रिवेंज लिया किससे, डोनाल्ड ट्रंप से। अब जो वीडियो आने वाला है उसका टाइटल है वेट फॉर रिवेंज, मोदी जी टेक्स रिवेंज फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप। टीचर स्वामी विवेकानंद, रुको जरा सब्र करो। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। इस वीडियो पर 53 लाख व्यूज है और 4 लाख नमूनों ने इस वीडियो को लाइक भी किया है। सॉरी यार, क्योंकि सबसे बड़े बेवकूफ तो तुम हो, क्योंकि तुम्हें इतना आइडिया नहीं है कि तुम्हारे देश में कोई मेहमान आया है तो पहले मेहमान बोलेगा या प्राइम मिनिस्टर बोलेगा। ऑफ कोर्स यार, पहले प्राइम मिनिस्टर बोलेगा, वो इंट्रोड्यूस करेगा कि ये भाई है कौन, और इंट्रोड्यूस करवाने के बाद दूसरे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है उसको बोलेगा कि आओ भाई आप स्पीच दो। तो ये जो 4 लाख नमूनों ने लाइक किया है, उनको ये नहीं समझ में आया कि पहले मोदी जी ने स्पीच दी थी उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीच दी थी। सॉरी डोनाल्ड, मेरे मुंह से भी अब डोनाल्ड निकलने लगा यार। तो अगर कायदे से देखा जाए तो इस वीडियो को ऐसा होना चाहिए, वेट फॉर रिवेंज, डोनाल्ड ट्रंप टुक रिवेंज फ्रॉम मोदी जी। अब ये शॉर्ट्स की टांग खींचना बंद कर देते हैं। अब एक शॉर्ट्स की बात करूंगा जो बिल्कुल हाल फिलहाल में वायरल हो रहा है और बहुत लोगों ने तो अभी देखा भी नहीं होगा क्योंकि ये अभी वायरल होने की स्टेज पर है। बहुत जल्द हो सकता है कि आपके भी रिकमेंडेशन में ये शॉर्ट्स जरूर आए। अब ये वाली शॉर्ट्स में ऐसा दिखाया जा रहा है कि रोनाल्डो जो है वो स्कोर्स पे हंस रहा है कि अर्जेंटीना का 1 है और सऊदी अरेबिया का 2 है, और इस शॉर्ट्स पर भी 8700 नमूनों ने अपनी छाप छोड़ दी है। अब यहाँ पर तुम अपना थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, छोड़ो नहीं दौड़ा पा रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है, ये वीडियो देखो। असल में ये वीडियो ऐसी कुछ थी कि रोनाल्डो का एक टीममेट है पेपे नाम का, जिसने एक ड्राइंग बनाई थी तो रोनाल्डो उसको देखकर हंस रहा था, और एक भाई ने इसको ऐसा एडिट करके दिखाया कि रोनाल्डो एक अर्जेंटीना और सऊदी अरेबिया का जो मैच हुआ था उस पर हंस रहा है। एडिट करने वाले की गलती कभी नहीं होती है, उसका काम होता है बनाना और वो उसमें सक्सेसफुल हो जाता है। तो बेवकूफ़ कौन हुआ, आप हुए या फिर वो हुआ, उसको तो व्यूज़ भी मिल गए, पैसे भी मिल गए, और हाँ मेन चीज़ तो रही गई, नमूनों से लाइक भी मिल जाते हैं। अगर कुछ नया सीखा हो तो कमेंट में थैंक यू लिख देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।